इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की थी। साहिल खान, फिल्म एक्टर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर साहिल खान को लोग उनकी डेब्यू मूवी स्टाइल से जानते हैं। ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस हिट थी। करंटली उनके YouTube पर 3.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वहीं Instagram पर 10.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की थी। आप उन्हें ईयर 2000 में रिलीज हुई एल्बम नचांगे सारी रात में एज अ बारटेंडर स्पॉट कर सकते हैं। दिया मिर्जा, हैदराबाद से बिलोंग करने वाली दिया मिर्जा ने अपने करियर की शुरुआत मीडिया फर्म के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर की थी। वो टीवी कमर्शियल्स और प्रिंट मीडिया के लिए एज अ मॉडल काम करती थी। ईयर 2000 में वो मिस इंडिया पेजेंट की रनर अप थी और उसी साल उन्होंने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब भी जीता था। पर इन सबसे पहले ईयर 1999 में वो तमिल मूवी में एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आई थी। आप उन्हें इस सॉन्ग में ऑरेंज ड्रेस में स्पॉट कर सकते हैं। हेमा मालिनी एक तमिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनकी मॉम एक फिल्म प्रोड्यूसर थी, इसलिए उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। उन्होंने 12th क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि वो एक्टिंग परस्यू कर सकें। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ईयर 1963 में तमिल मूवी इदु सात्यम से की थी। वो इस मूवी के सॉन्ग सिंगारा में एज अ डांसर नजर आई थी। वो दोबारा 1965 की एक तेलुगु मूवी में भी एज अ डांसर नजर आई थी। धर्मेश येलांडे, धर्मेश सर की सक्सेस स्टोरी किसी मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बचपन से उन्हें डांस का शौक था। प्रभु देवा से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने ब्रेक डांस और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग ली। अपने स्ट्रगलिंग डेज में वो एज अ प्यून भी काम करते थे और एक फूड स्टॉल भी चलाते थे। वो गुजराती सुपरस्टार्स के लिए एज अ बैकग्राउंड डांसर काम करते थे। वो एक गुजराती सॉन्ग में येलो टी शर्ट और व्हाइट कैप में एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आते हैं। इसी तरह 2008 में रिलीज हुई एक भोजपुरी मूवी के सॉन्ग में आप उन्हें रेड शर्ट में डांस करते हुए देख सकते हैं। काजल अग्रवाल, मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली से बिलोंग करने वाली काजल अग्रवाल ने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है। जब वो लॉरियल कंपनी में अपने फाइनल ईयर की इंटर्नशिप कर रही थी, उस दौरान ही उन्हें एक फोटोग्राफर ने स्पॉट किया और यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई। उन्होंने ईयर 2004 में बॉलीवुड मूवी क्यों हो गया ना से अपना डेब्यू किया। आप उन्हें इस मूवी के एक सॉन्ग में ऐश्वर्या राय के साथ डांस करते हुए देख सकते हैं। सरोज खान, फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने नजराना फिल्म में बेबी श्यामा का रोल निभाया था। लेट 1950s में वो बैकग्राउंड डांसर बन गई थी। उन्होंने बस 13 साल की उम्र में ही अपने डांस मास्टर बी सोहन लाल से शादी कर ली थी। वो 1958 के फेमस सॉन्ग आई ए मेहरबा में एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आती हैं और इस सॉन्ग में उन्होंने एक लड़के का रोल निभाया था। जोया अख्तर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, गली बॉय और तलाश जैसी मूवीज को डायरेक्ट करने वाली जोया अख्तर ने ईयर 1996 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। वो मीरा नायर की कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी कामा सूत्रा टेल ऑफ लव में एक छोटे से रोल में नजर आती हैं। गीता कपूर ने 15 साल की उम्र में डांस सीखने के लिए फराह खान के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्म्स में फराह खान को असिस्ट किया। वो एज अ सेकेंडरी बैकग्राउंड डांसर कई मूवीज में नजर आईं। आप उन्हें सुचित्रा कृष्णमूर्ति के सॉन्ग धूम तारा में स्पॉट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कुछ कुछ होता है मूवी के सॉन्ग तुझे याद ना मेरी आई में भी नजर आती हैं। वो मैं हूं ना मूवी के सॉन्ग गोरी गोरी में भी दिखाई देती हैं। काम्या पंजाबी, पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर की थी। आप उन्हें 2004 में रिलीज हुई फेमस सॉन्ग दिल चोरी साडा हो गया मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर स्पॉट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कहो ना प्यार है मूवी के सॉन्ग प्यार की कश्ती में भी नजर आती हैं। वो इसी मूवी के सॉन्ग जाने मन में भी नजर आती हैं। इस सॉन्ग में उनके साथ टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री भी एज अ बैकअप डांसर नजर आती हैं। साजिद खान, फिल्म डायरेक्टर साजिद खान के डैड भी एक डायरेक्टर थे, पर जब वो 14 साल के थे तब उनके डैड की डेथ लीवर डैमेज से हो गई थी। वो 16 साल की उम्र में पार्टीज में एज अ डीजे काम करते थे। साजिद खान और फराह खान ने 1985 की मूवी 3D सामरी में एज अ बैकअप डांसर काम किया था। इसके अलावा वो 1989 की मूवी आग से खेलेंगे में भी अरशद वारसी के साथ एज अ बैकग्राउंड डांसर नजर आते हैं। अनिल कपूर का जन्म मुंबई के फिल्म प्रोड्यूसर सुरेंद्र कपूर के घर हुआ। एक्टिंग कोर्स करने के बाद उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ बैकग्राउंड डांसर और जूनियर आर्टिस्ट की। सबसे पहले वो 1979 की मूवी हमारे तुम्हारे में नजर आए। इसके बाद वो तेलुगु मूवी वामशा वृक्षम में नजर आए। वो 1980 की मूवी एक बार कहो के एक सॉन्ग में भी नजर आते हैं। अहमद खान, इंडियन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर अहमद खान को बचपन से ही डांस का शौक था। उनकी मॉम सरोज खान की फ्रेंड थी और उनके कहने पर सरोज खान ने अहमद खान को अपने साथ एज असिस्टेंट रख लिया।
उन्होंने रंगीला ताल और गजनी जैसे कई मूवीज़ के सॉन्ग्स को कोरियोग्राफ किया है। वो 1987 की मूवी मिस्टर इंडिया में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट नज़र आए थे। इसके अलावा वो नायक मूवी के सॉन्ग शकालका बेबी में भी नज़र आए थे। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था और बचपन से उन्हें भरतनाट्यम की ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने एज अ डांसर अपने करियर की शुरुआत की थी। सबसे पहले वो 1955 की तेलुगु मूवी के सॉन्ग में एज अ डांसर नजर आई थी। इसके बाद वो तेलुगु मूवी जयसीमा में नजर आई थी। वो एक तमिल मूवी के सॉन्ग सलाम बाबू में भी एज अ डांसर नजर आई थी। आसिम रियाज, इंडियन मॉडल और एक्टर आसिम रियाज को बिग बॉस 13 से काफ़ी फेम मिली। करंटली उनके इंस्टाग्राम पर 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ मॉडल की थी और कई एड्स में नज़र आए थे। वो शाहरुख खान और कटरीना कैफ स्टारर लक्स के एड में एज अ बैकग्राउंड डांसर नज़र आते हैं। इसके अलावा वो मैं तेरा हीरो मूवी में भी एज अ साइड एक्टर नज़र आए थे। तनुश्री दत्ता, झारखंड से बिलोंग करने वाली एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने 2003 में फेमिना मिस इंडिया जीता था। ईयर 2005 में उन्होंने आशिक बनाया अपने मूवी से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया, पर इन सबसे पहले वो हैरी आनंद के पॉप म्यूजिक वीडियो सैया दिल में आना रे में नजर आई थी। इस सॉन्ग में उनके साथ फेमस टीवी एक्ट्रेस दृष्टि धामी भी नजर आती हैं। इस वीडियो को दो पार्ट्स में बनाया गया है और फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।